हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गायत्री, गायत्री जी आई, कहिए। वैशाली कहाँ है? अभी तक आई नहीं क्या संगीता के यहाँ से? देर तो हो गई है, हो सकता है लेट सोई हो। लेट सोई होगी का क्या मतलब गायत्री? हैं? 7:15 हो रहे हैं, 6:30 बजे तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा आ जाएगी ना। अब हो सकता है वैशाली देर से सोई हो, उसकी आंख लग गई हो। आप एक बार संगीता से बात करके तो देखिए। संगीता का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, ये हो क्या रहा है? सुनिए ना, आप एक काम करिए, आप ही जाकर ले आइए ना वैशाली को। अरे वो बच्ची है, हो सकता है उसकी आंख लग गई हो। नमस्ते कुसुम जी। नमस्ते संदीप जी। क्या हुआ आज आप अकेली वॉकिंग पे? संगीता नहीं आई आपके साथ? गई थी उसे बुलाने, ताला लगा है उसके घर पे। ताला? The number you have called is currently switched off. Good morning संदीप, आज सुबह सुबह? राजू भैया, रोहित घर पे है क्या? नहीं, रोहित अभी तक संगीता के यहाँ से लौटा नहीं। एक मिनट चेक करता हूँ। नंदिनी, ओ नंदिनी। जी। रोहित ने कुछ कहा था क्या कि आज आने में लेट होगा? वही तो मैं आपसे कहने वाली थी, जरा संगीता को फोन करके पूछो। भाई रोहित तो अभी तक संगीता के यहाँ से लौटा नहीं है। भैया वैशाली भी अभी तक घर पे नहीं आई है, वही देखने के लिए मैं संगीता के यहाँ आया था, पर यहाँ तो ताला लटका हुआ है। ताला कैसे लगा है? इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया भैया। संगीता ने कुछ कहा था क्या आपसे? नहीं तो, कल रात रोहित उनके यहाँ गया था स्लीप ओवर के लिए। और ये संगीता भी हमें बिना बताए बच्चों को ऐसे कैसे कहीं ले जा सकती है? नमस्ते सुशीला जी। अरे नमस्ते संदीप जी। ये संगीता और आरती कहीं बाहर गए हैं क्या? गए हैं क्या, मुझे तो नहीं पता। नहीं, दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। तो हो सकता है सुबह सुबह किसी काम से चले गए हों। कल रात को 11:30 बजे तक रोज की तरह टीवी तो चल ही रहा था। जी वो मेरी बेटी वैशाली और राजीव भैया का लड़का रोहित कल रात यहाँ रुकने के लिए आए थे, पर बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे और दरवाजे पर यहाँ ताला लटका हुआ है। ऐसे कैसे, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं संगीता ने। मेरा छोटा भाई रमेश 4 साल पहले ही चल बसा, संगीता उसी की पत्नी है। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरे बाद संदीप है और रमेश सबसे छोटा था। आपके मरहूम छोटे भाई रमेश की पत्नी संगीता, उनकी बेटी आरती, आपकी बेटी वैशाली और आपके बड़े भाई राजीव का बेटा रोहित, क्या ये चारों इस घर में रात को एक साथ थे? जी। एक मिनट, आप लोग बाहर रुकिए, हम अंदर जाके देखते हैं मजा क्या है। प्लीज वेट आउटसाइड। सर रुकिए। मैडम, सर सर क्या हुआ सर? सर दूसरे कमरे में सब उथल पुथल है। लाशें? नो सर, बस सारे कबर्ड अलमारियां चीर दी गई हैं। सर वो रोहित है सर, मेरा बेटा सर, जाकर प्लीज उसे चेक कीजिए सर। सर वो सो रहा है सर, जाकर उसे उठाइए ना सर प्लीज। राजीव जी हमने किया है चेक, ही इज नो मोर। सर ये संदीप की बेटी वैशाली है सर, सर प्लीज एक बार चेक कीजिए ना सर प्लीज।
भगवान। मैडम यही संगीता है और ये उसकी बेटी आरती। गायत्री पता नहीं कैसे क्या हो गया, हमारी वैशाली हमारी बेटी। सिर्फ रोहित नहीं, वैशाली आरती संगीता सब खत्म हो गया नंदिनी सब। पूरा घर डबल स्कैन हो चुका है पर इस लेडी संगीता त्रिपाठी का फोन कहीं नहीं है और फोन अभी तक स्विच ऑफ है, तो जाहिर है कि इस घर में इन चारों के अलावा कोई और भी था। खाने के प्लेट्स चार ही हैं पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी तो हम फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स उठा ही रहे हैं। संगीता का किसी के यहाँ आना जाना भी तो नहीं था और बस संदीप जी और राजीव जी उसके जेठ थे जो पास ही में रहते थे, उन्हीं की फैमिली इस माँ बेटी की फैमिली थी। संगीता का मायका कहाँ है? बेचारी का कोई मायका नहीं था, माँ बाप 5 साल पहले गुजर गए और पति रमेश भी जल्दी चल बसा 4 साल पहले, सिवाय आरती और इन लोगों की उसका कोई नहीं था। आप दोनों रोज वॉक पे जाते थे? हाँ मैडम, कभी नहीं चुकते थे हम लोग। मैं रोज सुबह यहाँ 6:30 बजे आती हूँ, मैक्सिमम 7:15 बजे, फिर मैं संगीता को बुलाती हूँ और फिर हम लोग 1 घंटे तक वॉकिंग करते हैं। संगीता के जेठ ये राजीव और संदीप त्रिपाठी, इनके बच्चे रोहित और वैशाली रोज रात को संगीता क्या ठहरते थे? वो तो मुझे नहीं मालूम मैडम। लेकिन हमने घर में अंदर जाते ही चेक किया था, टीवी तो बंद था। देखिए जब रोज रात को मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे चेक करती हूँ लगभग 11:30 बजे, तब उनका टीवी विदाउट फेल ऑन रहता है और कल भी ऑन था। याद कीजिए, आपने कभी किसी को देखा हो, पहचान वाले को, अनजान आदमी को, किसी को भी? देखिए कल तो ना मैंने किसी को देखा ना सुना। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। कभी भी आपने किसी को भी देखा हो उस घर में आते जाते हुए? जी इतना तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया। लूट हो सकती है सर, लेकिन जिस तरह से मर्डर्स हुए कहीं ना कहीं फोर्स इस्तेमाल होने के निशान मिलने चाहिए थे, पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। 4 मर्डर्स, 3 बच्चे और 1 औरत। सर किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, कम से कम 2 तो होंगे। और जो लूट के निशान मिले हैं मुझे लगता है ये जानबूझकर पीछे छोड़े गए, क्योंकि ब्रेकिंग के कोई निशान नहीं। हत्याकांड के बाद हत्यारे दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई मिसलीड है हमें गुमराह करने की कोशिश। गुमराह करने की ये कोशिश हो सकती थी कि दरअसल बिना फोर्स एंट्री के कोई जान पहचान का आदमी ये काम कर गया था और फिर उस पर चोरी और लूट का कलर दे गया था। दे गए थे, 1 से ज्यादा आदमी होंगे सर, क्योंकि मैं भी इसी थ्योरी पे बिलीव करता हूँ कि 3-10 साल से ऊपर के बच्चे और 1 अडल्ट औरत को 1 ही आदमी मार दे बहुत मुश्किल है। बाय द वे सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या थ्रो हुआ था, क्योंकि ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच से बेहद चौंकाने वाली डिटेल सामने आई और वो सारी डिटेल्स इस ओर इशारा कर रही थी कि उस रात उस घर में जो कुछ भी हुआ था वो बेहद अजीब था। क्यों भेजते थे का क्या मतलब मैडम? संगीता मेरे छोटे भाई की पत्नी थी, वैशाली की सगी चाची थी, आरती उसकी चचेरी बहन थी, एक ही फैमिली थी हमारी। तो इसमें अजीब क्या है? रोहित अपनी चाची संगीता से बहुत अटैच था, अपनी चचेरी बहन आरती से भी उसकी बहुत अच्छी बनती थी, उसकी दूसरी बहन वैशाली भी वहां आती थी, तीनों बच्चों में बहुत दोस्ती थी। आज ये दर्दनाक हादसा तब सामने आया जब आपका छोटा भाई संदीप वैशाली को संगीता के घर से लेने गया था। राजीव जी क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को लेने के लिए खुद आपको या संदीप को जाना पड़ा? जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। ना रोहित हो या वैशाली, सुबह होते ही अपने घर लौटते, बस आज ही। पर बच्चों को लेने तो सिर्फ संदीप गया था, आप तो घर पर ही थे। हाँ तो देखिए सर, हम तीनों भाइयों में संदीप को डिसिप्लिन के बारे में बहुत पड़ी रहती थी, वो अपनी बेटी वैशाली के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट था, टाइम का बहुत पाबंद था वो। जब आप डिसिप्लिन के इतने पक्के हैं संदीप जी,
तो फिर आपने अपनी बेटी को रात को किसी और के यहाँ ठहरने की परमिशन कैसे दी? बताया ना आपसे कि हम लोग एक ही फैमिली के हैं, और वैशाली किसी अरे गहरे के यहाँ नहीं, मेरे छोटे भाई रमेश की विधवा संगीता और आरती के यहाँ रुकने गई थी। हम सब तो एक ही है, और ये सब बातें करके आप क्या साबित करना चाहती? सर ये बात थोड़ी अजीब है तो सही कि रोहित और वैशाली अपनी चाची संगीता और चचेरी बहन आरती के यहाँ सोने के लिए जाते थे, जबकि सबके घर एक दूसरे से दो दो मिनट की दूरी पर हैं। मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा। राजीव त्रिपाठी ने मुझसे कहा कि रोहित और वैशाली अक्सर संगीता के घर पे रात को रुकने के लिए जाते थे, पर जब मैंने राजीव से पूछा ये बच्चों के स्लीप ओवर का सिलसिला क्या आपके और संदीप के घर भी होता था, मेरा मतलब क्या कभी संगीता की बेटी आरती रात भर रुकती थी आपके और संदीप के घर? रमेश की मौत के बाद उसकी बेटी और पत्नी अकेलापन महसूस करने लगे, इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ भेजा करते थे ताकि उन्हें घर भरा भरा सा महसूस हो, उन्हें कंपनी मिले। अपने भाई के लिए इतना करना तो बनता ही था ना। पर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, शायद उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। सर एक बात तो पक्की है, कल रात को संगीता के यहाँ कोई और जरूर था, पांचवा या पांचवा और छठा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। सुशीला जी, आरती के घर पे क्या हुआ है? विकास सर, आज सुबह सुबह घर के अंदर से चार लाशें मिली हैं। क्या? हाँ, संगीता, आरती और उसके दोनों कजिन्स वैशाली और रोहित। माय गॉड, कैसे, मतलब हुआ क्या था? पुलिस तहकीकात कर रही है, पर किसी को भी नहीं मालूम कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। संदीप जी और राजीव जी, उनको भी कुछ नहीं मालूम। पर संगीता जी और तीन बच्चों को कोई ऐसे ही क्यों मार डालना चाहेगा? हाँ, आरती के कपड़े भले ही फटे हों, पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। संगीता और वैशाली के गले काटे गए? हाँ, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे कि कोई छुरा। जिस तरीके से ये दोनों कट्स हुए हैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज हैं, ऐसे कट्स जिससे मैक्सिमम ब्लड लॉस हो। ये वही कर सकता है जिसे कोई मेडिकल एक्सपीरियंस हो, राइट? एब्सोल्युटली पॉसिबल। ये बच्चा रोहित, इसकी मौत गला घोंटने से हुई है। और ये आरती जो कि संगीता की बेटी है, इसके गले पर कोई स्ट्रैंगुलेशन के निशान नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि इसका गला घोंटा नहीं गया है, इसके मुंह में कपड़े ठूंस के इसकी सांस रोकी गई है, सफोकेशन। तीनों बच्चे रोहित, आरती, वैशाली, तीनों के ब्लड स्ट्रीम में हमें नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं। व्हाट? यानी प्री प्लान मर्डर्स, बच्चों को सुलाकर फिर उन्हें मार डाला गया? लगता तो ऐसा ही है। रोहित की बॉडी किचन में पड़ी थी और वैशाली की डाइनिंग एरिया के पास, और आरती की बॉडी उसकी माँ के पास थी बेडरूम में। तो क्या संगीता को भी नींद की गोली खिलाई गई थी? संगीता की बॉडी से हमें कोई नींद की गोली के ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन कत्ल के 10 या 15 मिनट पहले या मैक्सिमम आधा घंटा पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज के साइंस, रेप नहीं, जबरदस्ती सेक्स के कोई साइंस नहीं है, शायद कंसेंशुअल ही था। हमने इनके प्राइवेट पार्ट्स से स्वैब्स लेके रखा है, शायद इन्वेस्टिगेशन में आगे काम आए, जब आप मुजरिम को पकड़ लेंगे तब। हाँ, नींद की दवाई के ट्रेसेस मुझे किचन में पड़े ग्लासेस से भी मिले, और इन ग्लासेस से सिर्फ पानी पिया गया था। कुल मिलाकर तीन ग्लासेस हैं, जिसमें से नींद की दवाई के ट्रेसेस मिले हैं। और वो तीनों ग्लासेस उन बच्चों के थे, क्योंकि संगीता के ब्लड स्ट्रीम में ट्रेसेस नहीं मिले हैं। और सुरेश, जिस तरीके से संगीता और वैशाली के गले पर कट किए गए थे, वो हिंट करते हैं कि कातिल को मेडिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। सारे घर में जहाँ भी ब्लड सैंपल्स मिले हमने कलेक्ट किए, सारे विक्टिम्स के सैंपल्स के साथ मैच कर रहे हैं। एक बात है, इन चारों मर्डर्स के दौरान स्ट्रगल मिनिमल रहा होगा, शायद नींद की दवा की वजह से किसी ने फाइट बैक नहीं किया। किसी पांचवे या छठे का फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट्स मिले हैं घर से? वैसे ट्रेसिंग तो अभी भी चली रही है। हाँ, कुछ शेड जरूर हैं जो चारों विक्टिम्स के फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट से मैच नहीं कर रहे हैं, पर क्लियर नहीं है, हमें और डीप ट्रेसिंग करनी होगी। वैसे एक बात पक्की है कि घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। आसार तो यही नजर आ रहे हैं कि हत्याकांड क्लॉकवर्क प्रिसिशन के हिसाब से प्लान किया गया था। अब ये मामला जर जोरू या जमीन का है या नहीं, ये सिर्फ वक्त बताएगा। संगीता को रमेश के इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, रमेश ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, संगीता उसी से घर चलाती थी, घर रमेश के ही नाम पे था जो अब संगीता के नाम पे हो चुका है। क्या संगीता जी पेशे से कभी मेडिकल प्रोफेशन में थी? वो हाउसवाइफ थी पहले से ही,
मेडिकल के बैकग्राउंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आपका? मेरा अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग फर्म है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, बस यही भोपाल इंदौर के सर्किट में। सर मेरा मेडिकल प्रोफेशन से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, ये बेमतलब के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे ये बताइए कि जब रोहित हर रोज रात को संगीता के घर सोने जाता था तो फिर डिनर भी वहीं करता होगा, और ये वैशाली भी वहीं डिनर करती थी संगीता और आरती के साथ? कभी कभी डिनर संगीता के घर पर होता था। अच्छा, अगर ये बच्चे रोज वहाँ सोने जाते थे तो फिर सोने की जगह भी फिक्स होगी, कौन किस कमरे में सोता था? मैं थोड़े गया ये सब देखने के लिए, संगीता का घर 2 मिनट की दूरी पे है, मेरी बेटी वैशाली जाती थी वहाँ, कभी कभार खाना वाना भी खा लेती थी। आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कुछ पता चला है? क्योंकि उस रात जब ये जुर्म हुआ तो उस घर में कोई 5वां भी था और शायद 6ठा भी। कौन? हम पता कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि संगीता यानी कि आपके भाई की विधवा कत्ल के कुछ मिनटों पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। संदीप जी, सीधा सवाल, क्या संगीता जी का कोई प्रेमी था? मुझे नहीं पता मैडम, कोई था क्या? आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि संदीप की तरफ? हम इशारों में बातें नहीं करते राजीव जी, सीधे सवाल करते हैं, लेकिन अगर कोई टेढ़े जवाब देता है तो उसे सीधा करना हम जानते हैं। संगीता मेरे छोटे भाई रमेश की विधवा थी, मुझे आज भी विश्वास नहीं है कि उसका किसी के साथ, देखिए अगर संगीता का किसी मर्द के साथ कोई संबंध था तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता चला। वो मेमो फायर कर देना मेरे सर्वर पे प्लीज। हाँ एक सेकंड, अभी करता। नमस्ते मैम, मैं विकास सचदेव। अच्छा कि आपने खुद होकर फोन किया। दरअसल सुशीला जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं एक बारी आपसे बात करूं। मैं आरती को ट्यूशन देता था। कहिए क्या बता सकते हैं हमें? मुझे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मैं संगीता जी को जानता था, वो एक वीडियो थी, एक सीधी सादी लेडी थी, बड़ी शिद्दत से अपनी बच्ची आरती को पढ़ा रही थी ताकि वो लाइफ में कुछ बन पाए। दुनिया की लगभग हर माँ यही चाहती है विकास जी। क्या आप बता सकते हैं कि संगीता जी, उनकी बेटी आरती, उनके जेठों के बच्चे रोहित और वैशाली को किसने मारा और क्यों मारा? बहुत ही बुरा हुआ मैम, बड़े ही प्यारे बच्चे थे तीनों। मैं पहले सुशीला जी के बेटे पराग को ट्यूशन देता था, फिर एक दिन संगीता जी उनके घर पे आई हुई थी। विकास सर, मेरी आरती 8th स्टैंडर्ड में है। पर मेरी टाइमिंग दोपहर की होगी, पराग को ट्यूशन देने के तुरंत बाद मेरे पास फ्री टाइम है। हम सोच रहे थे कि पराग भी 8th स्टैंडर्ड में है तो क्यों ना आरती यहीं आकर पढ़ ले। हाँ, दोनों बच्चों को कंपनी रहेगी और हेल्दी सा कॉम्पिटिशन भी बना रहेगा, मतलब अगर आपको टाइमिंग सूट करे तो ही। मुझे सूट कर गया, जॉइंट ट्यूशंस लेना। तो ट्यूशन से ही सुशीला जी के घर पे होते थे? स्टार्ट तो यहीं से हुई, लेकिन उसके बाद हम संगीता जी के घर पे शिफ्ट हो गए। दरअसल उनके पास एक एक्स्ट्रा कमरा था। सुशीला जी, विकास जी, क्या संगीता का कोई बॉयफ्रेंड था? ये आप क्या कह रही हैं? संगीता विधवा थी, उसके पति 4 साल पहले गुजर गए थे। हम जानते हैं कि वो विधवा थी, पर ये कौन सी किताब में लिखा है कि कोई औरत सिंगल हो, शादीशुदा हो या विधवा हो, उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? देखिए अगर उनका ऐसा कोई रिश्ता था भी तो वो प्राइवेट रहा होगा, कम से कम मुझसे तो ऐसी बातें करने की नौबत नहीं आई। कोई अपनी प्राइवेट लाइफ किसी और के साथ क्यों शेयर करेगा, लेकिन लव अफेयर्स होते ही ऐसे हैं, किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ देख लिया। क्या आप लोगों को कभी कोई भनक लगी? मुझे तो नहीं हुई। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं मैडम, मैं बस आता था, अपना ट्यूशन पढ़ाता था और चला जाता था। उसके बाद या उसके पहले घर के अंदर या बाहर क्या होता था मुझे नहीं मालूम। जैसा एक्सपेक्ट किया था वही जाके हो गया, पुलिस वालों को हम पर शक हो गया। ये इंस्पेक्टर भी काफी सख्त है, दबी दबी धमकियां दे रहा था हमें। आप क्या कहते हो, पुलिस को वो वाला एंगल दे दे? मैं भी वही सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है दें कि ना दें। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीम ने सही कील ठोक दी थी, उस रात उस घर में किसी को अंदर दाखिल होने दिया गया था, या फिर वो बिना कुछ तोड़े खुद होकर दाखिल हुआ था। बिगिनिंग से ही हमें शक था कि ये मर्डर्स किसी एक ने नहीं बल्कि 2 लोगों ने किए, और शायद ये 2 लोग संदीप और राजीव थे। जर, जोरू और जमीन की बात की आपने, जर को लूटा नहीं गया, जोरू का कत्ल कर दिया गया, और रही बात जमीन की तो शायद ये दोनों बड़े भाई अपने छोटे मरहूम भाई रमेश का घर हड़पना चाहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने घर के हकदार संगीता
और उसकी बेटी आरती का कत्ल कर दिया। लेकिन सर फिर भी वो अपने ही बच्चों का कत्ल क्यों करेंगे? हम लोग एक नाजुक मोड़ पर थे। हमें ये कन्फर्मेशन मिली थी कि उस औरत का किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध हुआ था और वो भी उसकी मर्जी से। अब हो सकता था कि उसी मर्द ने उस घर में सबका कत्ल किया हो, लेकिन ये एक ऐसा एंगल था जिसके बारे में हम श्योर नहीं थे कि वो जेन्युइन था या फिर हमें भटकाने की एक और कोशिश। आप लोगों ने इस एंगल के बारे में इससे पहले कभी जिक्र क्यों नहीं किया? जी नहीं किया, क्योंकि हम खुद ही पक्का नहीं थे। हम पूछते रहे, हमें डेवन से शक था कि आपके बच्चे रोज रात को उस घर पर सोने के लिए क्यों जाते थे। लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, हर बार अकेलेपन की गोली दी और बस। और अब जाकर आप हमें बता रहे हैं? क्योंकि आप ही ने कहा ना कि पोस्टमार्टम में यह कंफर्म हुआ है कि संगीता का किसी के साथ फिजिकल। कौन है वो राजीव? संदीप कौन है वो? हमें नहीं मालूम सर, हमें शक था इसलिए हम अपने बच्चों को पिछले 3 महीने से वहां भेज रहे थे, वैशाली को, रोहित को, ताकि कुछ पता चल सके। हमारे कहने पे हमारे बच्चे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब का ऐसा अंजाम होगा। आप लोगों के बच्चों को अंदाजा भी था कि वहां उन्हें किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो बेचारे मासूम थे, उन्हें तो कुछ पता नहीं था। बेवकूफों की तरह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ दिखे, वो कुछ सुने तो हमें रिपोर्ट कर। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को संगीता पर शक क्यों हुआ? और संगीता? और कसुम? और क्या चल रहा है आजकल? बस वैसा ही चल रहा है जैसे तुम्हारा चल रहा है, सब ठीक। कुसुम जी जरा खुल के बोलिए ना, ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? संगीता को एक हफ्ते से काफी खुश खुश देखा, इसलिए उसे इतना किला किला तब से नहीं देखा जब से रमेश भाई साहब गए हैं, इसलिए पूछा। क्या उसकी फिर से शादी वादी की बात चल रही क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वो सिर्फ शादी की बात से ही खुश होगी? ऐसे खुश नहीं दिख सकती। दिख सकती है ना, बिल्कुल दिख सकती है। शादी के बिना भी खुशियाँ हासिल की जा सकती है। नमस्ते। एक बात कहूँ, मुझे ये संगीता बहुत बदली बदली सी लगती है। कहीं कोई अफेयर तो नहीं चला रखा है इसने? नंदिनी तुम, मतलब गायत्री तुम भी, तुम दोनों उसे सामने से पूछती क्यों नहीं? अरे ऐसे थोड़ी कोई बताता है। आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से बताएगी कि हाँ भाई ये लड़का है जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है वगैरह वगैरह? हाँ मैंने सुशीला से घुमा फिरा के पूछने की कोशिश जरूर की थी कि किसी को देखा वेखा है, पर उसने कुछ बताया नहीं। मैं तो संगीता को रोज ही मिलती हूँ सब्जी मंडी में शाम को। अरे वैशाली भी आरती के साथ खेलती है, और रोहित भी तो अपनी चाची के हाथ के पराठे खाने जाता है, अगर उसने कुछ देखा होता तो बताता जरूर। मुझे तो लगता है ना ये बंदा रात को घर आता होगा। रात को? हाँ। क्या मतलब? आरती छोटी बच्ची है, 9 बजे तक सो जाती होगी, फिर रात को बंदा आता होगा और सुबह चला जाता होगा, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। कुसुम को शक हुआ तो उसने आपको बताया संदीप, और फिर आप सबने मिलकर अपने छोटे बच्चे रोहित और वैशाली को अपनी सगी चाची के अफेयर को पता लगाने के लिए भेज दिया? ऐसा कुछ नहीं था सर, उन मासूमों को तो कुछ पता भी नहीं था। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर वहां कुछ हो रहा होता तो उन्हें पता चल जाता और वो हमें रिपोर्ट करते। और अब हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों को उसी रात को कुछ पता चल गया और वही उनकी आखिरी रात साबित हुई। बातों बातों में ऐसा लग रहा था कि संगीता बदल गई है। पहले वो मुरझाई सी रहती थी और अब थोड़े दिनों से वो खिली सी रहने लगी थी। तभी मुझे डाउट हुआ। कुसुम जी क्या ऐसा सच में हुआ था या फिर ये इन दोनों भाइयों की बुनी गई मनगढ़ंत कहानी है? वो मैं कैसे बता सकती हूँ मैडम। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर ये कांड किया हो? सर लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि सेक्स रजामंदी से हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर एक अरसे से अफेयर चल रहा होगा संगीता का उन दोनों में से किसी एक भाई के साथ। अगर हम ये मान के चले कि अफेयर राजीव या संदीप के साथ था और कत्ल इन दोनों ने मिलकर किया, फिर भी एक सवाल सामने उठता है सर, कोई अपने ही बच्चों को कैसे मार सकता है, इकलौते छोटे बच्चों को? आई नो बहुत कम चांसेस हैं, रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि लालच में डर के मारे उस मौके के पागलपन में अपने बच्चे का कत्ल कर दे। नींद की दवाई पिलाकर इतनी प्लानिंग के साथ? मुझे लगता है कि प्लानिंग सिर्फ उन्हें सुलाने की थी, लेकिन उस रात वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि दवा के बावजूद उन बच्चों की नींद खुल गई और उन्होंने कुछ देख और सुन लिया, और इसी वजह से घबराहट और आवेश में उन बच्चों का कत्ल कर दिया गया होगा। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि हर रात बच्चों को नींद की दवाई पिलाई जा रही थी। संगीता का फोन घर पर ही स्विच ऑफ किया गया था सर। राजीव और संदीप के अलावा कोई और नंबर है जिससे रेगुलरली कॉल्स आते थे संगीता को? एक नंबर है सर जिससे बाकी नंबर से ज्यादा बार कॉल्स हुए,
कौन है? कोई किशोर चौबे सर, 444-368-741, अभी स्विच ऑफ है। और रिकॉर्ड्स? सर, किशोर चौबे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ये फोन 2 सितंबर से स्विच ऑफ है। अभी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मर्डर की रात को ही इसने फोन स्विच ऑफ कर दिया हो। लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि किशोर चौबे नाम का कोई आदमी असल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सर, रिकॉर्ड में दिए हुए एड्रेस पर चेक करते हैं। तुरंत करो, कहीं ऐसा ना हो कि शातिर कातिल ने अपना अफेयर छुपाने के लिए किशोर चौबे नाम के एक काल्पनिक कैरेक्टर का सहारा लिया, ताकि कांड वो करता रहे और हमारा शक इस काल्पनिक कैरेक्टर पर जाए। नहीं, मैं संगीता से जुड़े किसी किशोर चौबे को नहीं जानता। कुछ पता चला? क्या बोल रही है पुलिस? इसने मार डाला हमारे बच्चों को। किसी किशोर चौबे के बारे में पूछ रहे हैं। ये कौन है? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। जी नहीं, हमने तो नहीं सुना किसी किशोर चौबे का नाम, संगीता के सिलसिले में भी नहीं। किसी ने ये नाम सुना तक नहीं है सर। देखते हैं हमें क्या सुनाई देता है। किशोर चौबे जी, फोन रिकॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर गए, उनके बिना ये किशोर चौबे वाला एंगल तो खुलता ही नहीं। लेकिन क्या इस किशोर और संगीता के बीच में कोई अफेयर था भी, या फिर ये किशोर एक बड़ी सी साजिश का एक छोटा सा मोहरा था? उसका दावा तो यही था कि उसे बेवजह इस साजिश में घसीटा जा रहा है, जबकि उसका इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं था। और यही नहीं, उसने हम पर भी आरोप लगाया कि हम उसे बेवजह बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और कोई मिला नहीं तो आप बस मेरी बलि चढ़ा रहे हैं। मैं ये निर्माण कॉलोनी में किसी संगीता त्रिपाठी को जानता तक नहीं। तो फिर 2 सितंबर की रात को तेरा सेलफोन लोकेशन निर्माण कॉलोनी क्यों है किशोर चौबे? सर, या आपके पास गलत नंबर है या आपकी तलाश किसी और किशोर चौबे के लिए है। पिछले एक महीने से लगातार नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ विदाउट छुट्टी, शाम के 4 बजे से रात के 2 बजे तक। आप ऑफिस से भी कन्फर्म करा सकते हैं। और फिर सर, घर पहुँचते पहुँचते 3 बज जाते और तब सो जाता हूँ, फिर डायरेक्टली सुबह 10 बजे उठता हूँ। मेरा तब निर्माण कॉलोनी में या कहीं और पे भी रहना नामुमकिन है। और सर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये संगीता त्रिपाठी नाम तो मैंने आज ही सुना है। क्या किशोर चौबे रोज 2 बजे ही ऑफिस से निकलता था? एंट्री एग्जिट मशीन की पिछले 1 महीने की डिटेल्स भेज दो तुरंत। 2 सितंबर की रात को तेरा सेलफोन लोकेशन निर्माण कॉलोनी होने के अलावा भी हमारे पास तेरे पर शक करने की वजह है। तूने संगीता त्रिपाठी से 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार बात की। सर, ये झूठ है। तो सेलफोन कंपनी की तेरे से पर्सनल दुश्मनी है जो तेरे खिलाफ झूठे रिकॉर्ड निकलवाएगी? अब तो स्टोरी बकेगा। कैसे किसी ने तेरे आईडी पर, तेरे पते पर तेरा फोटो लगाकर तेरे नाम पे फोन लिया जुर्म करने के लिए, और तुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि तुझे फंसाया गया था? अब पता चला सर जी। ओ रामेबाज, सीधे सीधे बता कि वो नींद की गोलियां तूने कहां से खरीदी थी, और ये गला काटने की मेडिकल प्रिसिशन कहां से सीखी? डॉक्टरी का कोर्स किया है या नर्सिंग का? कहीं कंपाउंडर था या जानवरों का डॉक्टर? सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और जिस आदमी की आप बात कर रहे हो मैं नहीं, विकास सचदेव है। विकास सचदेव? तू उसे कैसे जानता है? सर, वो मेरा ऑफिस कलीग है। लेकिन वो तो आरती का ट्यूशन टीचर था ना? दोपहर में वो ट्यूशन देता है, पर सुबह की शिफ्ट में हमारे बैक रूम में जूनियर प्रोग्रामर है, और उसका मेडिकल बैकग्राउंड भी रहा है। पूरी स्टोरी बता इस विकास सचदेव की। मैं यही भोपाल का रहने वाला हूँ, पर मेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंदौर से हुई, जहाँ विकास मेरा बैचमेट था, वो इंदौर से बिलोंग करता है। सर, फिर मैं यहाँ पर आ गया, जॉब करने लगा, और उसका जॉब भी यहीं पर लग गया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बतौर प्रोग्रामर ज्वाइन हुआ। सर, लेकिन उसके पास परमानेंट एड्रेस नहीं था, तो मैंने मेरे नाम पर नंबर दिया उसको, और ये 1 साल पहले की बात है। सर, जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं ना, ये वही नंबर है जो विकास यूज करता आया है। एक बात माननी पड़ेगी, आज फिर साबित हुआ कि भोली शरीफ शक्ल शैतान की भी होती है। साले, क्या चाल चला तू? तूने हमको मौका ही नहीं दिया तुझे यहां लाकर तोड़ने का। सर, यही है वो। क्या कर दिया तूने यार? तेरे वजह से लोग मुझे उठा लाए यहां पर, कह रहे कि मेरे चाचा ने मर्डर्स किए, बोले ने वो नंबर दे रहा है। विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि किशोर भी शामिल था तुम्हारे साथ उस मर्डर में, या फिर कोई और था? कोई और। मास्टर जी, नाम बताने का कष्ट करेंगे अपने साथीदार का? संगीता त्रिपाठी। अच्छा, जो कि अपना पक्ष रखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं है, गेम खेल रहा हमारे साथ। अच्छा, उसने अगर तेरा साथ दिया था तो खुद को मारने में भी साथ दिया होगा, ऐसा तो नहीं अपना गला खुद ही काट लिया उसने? सर, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। ओ शराफत के पुतले, मिस्टेक वो होती है जो बच्चे स्कूल में करते हैं असाइनमेंट में, जिसे इरेजर से मिटा के ठीक किया जा सकता है। और ऐसी ही गलतियां करने वाले 3 बच्चों का कत्ल किया है तूने, साथ में एक औरत का। सीधी तरह एक झटके में मुझे अपने गुनाह की पूरी कहानी बता, वरना हम लोग भी कह देंगे कि कौन विकास सचदेव, उसको तो हमने गलती से गोली मार दी।
ये 3, 4, 5, 6 and 7 ये सारे सम्स मैंने मार्क कर दिए हैं, इन्हें सॉल्व करो। नहीं आता तो दूसरा ट्राई करना, आपस में बात नहीं और रुकना नहीं। मैं टॉयलेट करके आता हूँ। आज रात आओगे ना? यहाँ से आज जाए ना तो। अच्छा जी, तो फिर यहाँ दोबारा नहीं आ पाओगे विकास सर? हजार सवाल उठेंगे, जवाब का कोई वेट नहीं करेगा। सीधा मोहल्ले से बाहर निकाल दिए जाओगे। संगीता जी, मैंने दोनों बच्चों को काफी टफ समझती हैं, कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे ही, तब तक आपकी भी क्लास ले लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं चाहती कि पराग और आरती को जरा सा भी शक हो। रात को ले लेना सारे लेक्चर्स विकास सर। विडो थी, तन मन से अकेली थी, उसका दिल आ गया था मुझ पर और मैं भी उससे। तुम दोनों रोज रात को बच्चों को नींद की दवाई खिलाते थे? क्या बात है संगीता, दो रातों से तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है, मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही हो, ट्यूशन्स के टाइम में मेरी तरफ देखती तक नहीं हो, आखिर हुआ क्या है यार? सीधा लाइन में सीधा बनाओ उसको। विकास सर, ये इस महीने की फीस। मेरे दोनों जेठ और जेठानियों को मेरे ऊपर शक होने लगा है। उन लोगों ने अपने अपने बच्चों को मेरे घर में रात को सोने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। अब मैं उन लोगों से पूछ भी नहीं सकती कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब हम लोग रात को पहले जैसे कभी मिल भी पाएंगे। अगर मैं अपने जेठ जेठानियों को ये सुझाव दूं कि आरती कभी कभी उनके घर सोने चले जाए तो भी वो लोग मुझ पर शक करेंगे। रोहित, आरती, वैशाली आ जाओ, डिनर लग गया है भाई। हर रात तीनों बच्चों को दवाई देकर सुला दिया जाता था और फिर रात भर मैं और संगीता दूसरे बेडरूम में वक्त बिताते थे। तो फिर अचानक क्या हुआ उस अरेंजमेंट को? 2 सितंबर की रात को क्या हुआ था? 2 सितंबर की रात को क्या हुआ था विकास? 1 महीने से हमारा परफेक्ट चल रहा था, फिर उस रात संगीता को किचन से पानी लाने में सुस्ती आ रही थी तो मैं चला गया। रोहित को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी, शायद उसे डोजेज की आदत हो गई थी, उसका इफेक्ट कम हो गया था। विकास सर, आप यह क्या कर रहे हैं? रोहित को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी, शायद उसे डोजेज की आदत हो गई थी, उसका इफेक्ट कम हो गया था। विकास सर, आप यह क्या कर रहे हैं? चाची को पता है आप यहाँ हैं? चाची देखिए, विकास सर घर में घुसा है। नहीं नहीं बेटा, विकास सर घर में घुसे नहीं है, बल्कि वो तो किसी काम से आए हैं। लेकिन विकास सर तो आरती को ट्यूशन देते हैं, इतनी लेट ट्यूशन क्यों? ट्यूशन नहीं नहीं बेटा। अच्छा बेटा, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं बताओगे कि विकास सर यहाँ आए थे। क्यों चाची, आप डरो मत, मैं कल पापा को सब बता दूंगा, वो इन्हें पूरा ठीक कर देंगे। रोहित मान ही नहीं रहा था, बहुत समझाया पर नहीं, ऊपर से डर था कि कहीं चिल्लाने विल्लाने लगा तो डबल ट्रिपल बवाल। कल सुबह राजीव भाई साहब इसे ढूंढते आएंगे तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आया तो बस हो गया। चाची, चाची मैंने रोहित भैया की आवाज सुनी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जाके सो जाओ। हाँ कुछ नहीं।
रोहित भैया से जमीन पर क्यों पड़े हुए? क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा से चक्कर आ गए थे। अब ठीक है, जाओ बेटा, तुम सो जाओ। जाके जाओ, मुझे देखना है। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, जाओ जाके सो जाओ। तुम जाओ सो। अब संदीप भैया भी कल सुबह हाथ धमकेंगे तो मैं क्या क्या बोलूंगी? कुछ सोचना होगा, इन दोनों को टिकाने लगाने होंगे। सुनो, तुम्हारे जेठू को और पुलिस को सुनाने के लिए कुछ स्टोरी बनानी होगी। सुन रही हो? तुम्हारे जेठू को और पुलिस को सुनाने के लिए कुछ स्टोरी बनानी होगी। संदीप भाई साहब, जब अजय भाई साहब आएंगे तो बोल दूंगी दोनों घर से साथ ही निकले थे और फिर रास्ते किसी ने उठा लिया होगा उनको। हाँ, और वो अंदर आकर चेक करने जा रहे हैं। ठीक कह रही हो। अंदर आएंगे अभी तो लाशें तो नहीं रहेंगी ना, तुम उन्हें दोनों को ठिकाने लगाकर वहीं से निकल जाना। अभी कैसे ठिकाने का? बाहर पुलिस की गश्त चल रही होगी और अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? सुनो, मैं कल एक एक करके इन सभी लाशों को ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है? आरती अंदर सो रही है, अगर उसने ये दोनों लाशें देख ली तो और उसे ये पता चल गया कि यहाँ कुछ हुआ है, ये तुम्हें अभी करना होगा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? वैशाली और रोहित कमरे में नहीं है। विकास सर, आप इस टाइम पे? नहीं, विकास, विकास आरती को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो उसे। अरे बस तो शांत कर रहा है। नहीं, मैं उसे समझाऊंगी, उसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। मैं समझा संगीता। आरती, 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 आरती बेटा उठो, आरती, आरती, आरती बेटा, मार डाला तुमने मेरी बच्ची को, मार डाला तुमने। मैं मारना नहीं चाह रहा था, पर सुन ही रही थी, तुम्हें मालूम है ना वो नहीं सुनती है। ये तो थी एक मेरी, तुमने क्या कर दिया? बस हो गया, रोक नहीं पाया। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? मासूम बच्चों को मार डाला। जो हुआ सो हुआ, अब लाशों को छुपाते हैं। मेरी आंखों के सामने हमने मेरी बच्ची का मार डाला, कमीने जानवर। अब मैं दुनिया को बताऊंगी कि तूने जबरदस्ती मेरा बलात्कार किया और तीनों बच्चों का कत्ल भी तूने किया। देख, मैं तुझे फांसी होगी, लिख के देती हूँ कि तुझे फांसी होगी। संगीता, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ? संगीता धमकियां देती जा रही थी कि वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगी, मुझे पकड़वाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और वो जो हॉल में टीवी ऑन रखते थे, वो पड़ोसियों को बेवकूफ बनाने के लिए, चकमा देने के लिए कि संगीता और तीनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जबकि हकीकत में एक बेडरूम में वो तीनों बच्चे लगभग बेहोशी की हालत में पड़े होते थे और तुम दोनों दूसरे बेडरूम में हवस में बेहोश, है ना? आप लोगों का शक सही निकला, संगीता का वाकई अफेयर चल रहा था ट्यूशन टीचर विकास सचदेव के साथ। तो संगीता ने उसे तीनों बच्चों को मार डालने दिया? उसने साथ दिया? हम दोनों के बच्चों को मारने में साथ दिया? खुद की बच्ची को भी मार डाला? आप लोग शायद भूल रहे हैं कि संगीता को भी मार डाला विकास ने। और राजीव जी, संदीप जी, आप लोगों ने छोटे बच्चों से अनजाने में ये जो जासूसी करवाने का तरीका अपनाया था ना, वो ना केवल बहुत बचकाना था बल्कि बेहद खतरनाक भी। अरे बेहतर तो ये था ना कि आप खुद संगीता को सामने बिठाकर मैच्योर तरीके से उससे बात करते, ना तो आपको छुपकर जानने की जरूरत पड़ती और ना उसे अपनी प्राइवेट लाइफ आप लोगों से छुपाकर शर्मिंदा होना पड़ता। खैर, वो मर्डर वेपन छुरा बरामद हो गया विकास के पास से, लेकिन संगीता का फोन अभी तक मिला नहीं है। हम विकास के सीमेन के सैंपल्स को कलेक्ट करके संगीता के वेजाइनल स्वैप्स के साथ मैच करेंगे, उसके बाद ही ये चार्जशीट फाइल होगी।
एक अफेयर को सीक्रेट रखने की कीमत चार जाने थी, एक औरत और तीन मासूम बच्चे, और फिर भी मुजरिम को यह लगा कि मल्टीपल मर्डर्स करने के बाद भी वो बच निकलेगा। हर क्रिमिनल को यही लगता है ना कि वो अपना जुर्म छुपा लेगा, बचा लेगा अपने आप को, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और पुलिस को थोड़ी देर गुमराह कर लिया। और क्रिमिनल्स का ये एटीट्यूड इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, वो सही मुजरिम तक नहीं पहुंच पाएगी और किसी बेगुनाह को पकड़कर उसे गुनहगार ठहरा देगी, वो भी गलत चार्जेस पर। शायद इसलिए कि पुलिस फोर्स के फेलियर्स को हेडलाइंस बना दिया जाता है, जबकि उनके सक्सेसफुल डिटेक्शंस वो तो अक्सर रिपोर्ट भी नहीं होते। यस, लेकिन अब ये कोई नई बात नहीं है, ये जिंदगी का कटु सत्य है कि भले ही आप 100 सक्सेसफुल केसेस सॉल्व कर लीजिए, मुजरिम को अदालत तक लेके जाइए, फाइनल वर्डिक्ट तक, लेकिन वो एक केस जिसमें आपकी कमी की वजह से मुजरिम को सज़ा नहीं हुई या फिर वो बच निकला, वो जिंदगी भर आपको एक नासूर की तरह कुरेदता रहेगा। इस खेत के ट्यूमर को कभी पनपने मत देना, किसी केस को कभी लाइटली मत लेना, हर केस की जड़ तक जाना और जुर्म को जड़ से उखाड़ना, और जुर्म का सहारा लेने वाले के सामने बार बार ये साबित करना कि परफेक्ट क्राइम कभी हो ही नहीं सकता। विकास इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। विकास जेल में अपने किए पर पछता रहा है। अगले हफ्ते से क्राइम पेट्रोल सतर्क का शुक्रवार का एपिसोड रात 11 बजे टेलीकास्ट होगा, और शनिवार और रविवार का एपिसोड अपने निर्धारित समय यानी कि रात 11:30 बजे ही टेलीकास्ट होगा। याद रखें, कल यानी कि 22 जनवरी को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी 27 जनवरी को रात 11 बजे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।